महाराष्ट्र कैबिनेट समावेशं कोनसागुतोंदी। सीएम उद्धव ठाकरे डिप्यूटी सीएम अजित पवार अध्यक्षतन ई समावेशं जरुगुतोंदी। अविनीति आरोपणलु एदुर्कोंटुन्न होम मंत्री अनिल देशमुख कूडा हाजरयारु। निन्न माजी सीएम देवेंद्र फडणवीस केंद्र होम शाखनु कलिसारु। होम मंत्री अनिल देशमुख अविनीतिकी संबंधिंचिन चिट्टानु होम शाख कार्यदर्शिकी अंदजेशारु। सीबीआई तो विचारण जरिपिंचालनि कोरारु। अविनीति आरोपणलु एदुर्कोंटुन्न होम मंत्रिनि बर्तरफ चेयालनि बीजेपी डिमांड चेस्तोंदी। अन्नि वर्गाल नुंचि ओत्तिडि वस्तुंडगा कैबिनेट समावेशं निर्वहिंचडं आसक्तिगा मारिंदी। మరోవైపు హోమ్ మంత్రి అనిల్ దేశ్‌ముఖ్ పై ఈడికి ఫిర్యాదు చేసింది బీజేపీ। అవినీతి వ్యవహారంపై విచారణ జరిపించాలని కోరింది। ఇందుకు సంబంధించిన కొన్ని డాక్యుమెంట్లను ఎన్ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులకు అందించారు। जो सचिन वादे गैंग ने 1,000 करोड़ से ज्यादा रुपए इकट्ठा किए हैं, इसमें नामी बेनामी ऑफशोर ट्रांजैक्शन है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एनआईए के साथ में अथॉरिटी फाइनेंस की ईडी है, तो ईडी इसकी जांच करे। गृह मंत्रालय अनिल देशमुख चलाते थे, परमवीर सिंह के ऊपर आरोप हुए हैं और अनिल परब भी गृह मंत्रालय चला रहा था, तो इन तीनों के भी फिनेंशियल जो बेनिफिशियरी पैसे आए हैं उसकी जांच हो। सचिन वाजे गैंग ने 1,000+ कोटी रुपये चे फायनान्शियल ट्रांजैक्शन केले आहेत, त्यात लाभार्थी कोण आहेत आणि यात बिटकॉइन पासून ऑफशोर ट्रांजैक्शन नामी बेनामी कंपन्या, तर यात ऑथॉरिटी ईडी आहे, म्हणून ईडीची भेट घेतली आणि या सगळ्या ट्रांजैक्शनचे 1,000+ कोटी ते ईडीने तपास केला पाहिजे। त्याचबरोबर अनिल देशमुख आणि परमवीर सिंगावर तो आरोप आहेतच, पण अनिल परब पण गृह मंत्रालय चालते, म्हणून या तिघांची पण विचारपूस झाली पाहिजे। आणि मला विश्वास जो